नमस्कार दोस्तों, आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर को फिर से मैं आलोक इंडस्ट्री का ही अपडेट लेके आया हूँ। देखिए, इस वीडियो पे अभी मैं बहुत सारी बातें चर्चा करूँगा, तो आज मैं बिना लेट किए हुए वीडियो को ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा कि आलोक इंडस्ट्री में देखिए आज भी किसी तरह की कोई लोअर सर्किट्स नहीं लगी है। साथ ही हम लोग जब यहाँ पर बाइंग क्वान्टिटी देखेंगे तो अभी भी क्वान्टिटी में पेंडिंग्स पड़े हैं 40,996 शेयर्स अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। सेलर्स एक भी खड़ा नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम लोग के जैसे छोटे इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो पैसा इस पे लगा नहीं रहे हैं, और दूसरा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस पे इतनी क्वांटिटी पे माल उठा रहे हैं कि ताकि इस पे अपर सर्किट ना लगे, क्योंकि इसमें अपर सर्किट अगर लगता है तो फिर से आप एग्रेसिव होंगे, आप इस स्टॉक को बाइंग करेंगे और इस स्टॉक पे अपर सर्किट लगेगा जब तब इसे कोई भी बाई नहीं कर पाएगा। तो ये भी हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंजेज में देखिए मार्केट्स में क्या हुआ है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट में देखिए बाइंग क्वांटिटी ट्रेडिंग क्वांटिटी हुई है 51,96,840 का, और इस पर डिलीवरी की पोजीशंस देखिए मोर देन 52%। माय गॉड, देखिए कल से भी ज़्यादा डिलीवरी है। पहला 48% था, कल 44% था, और आज 52% की डिलीवरी परसेंटेज है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक होल्डिंग्स पे जा रही है। आज टोटली मैं डिफरेंट बात करूँगा। देखिए, डीलिस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में बहुत किसी को अच्छी तरीके से पता नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया है कि इस डीलिस्टिंग से ना डरिए। अगर स्टॉक डिलिस्ट भी होता है तो क्या क्या होगा, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ, और इसका एक प्रूफ भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि जैसा कोई स्टॉक अगर डिलिस्ट हो जाता है तो आपके देखिएगा डीमैट अकाउंट में वो शो नहीं करता, तो वो कहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो अभी भी हमारे पास है या नहीं है, वो आप कहाँ से देखेंगे और इस स्टॉक को कैसे बेचेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट लाता रहता हूँ। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिस सेगमेंट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद हम लोग उस पर टाइप करेंगे कि हाउ आई सेल माई डीलिस्टिंग कंपनी शेयर। किसी भी तरह से आप इसको जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपके पास जो एक चीज़ आएंगी वो मैं आपके साथ दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, एक मिनट। देखिए, हाउ टू सेल, यहाँ पे मैंने गूगल पे टाइप किया हाउ टू सेल अ डीलिस्टेड स्टॉक इन इंडिया, क्योंकि मुझे इंडिया पे देखना है, बाहर की कंट्री के नहीं देखना है। तो मैंने ये टाइप किया। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा वो है crownetworkjet.com। यहाँ पे इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियरली इजी टू वे पे दिया गया है, आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अच्छा से, इसीलिए आप इसी को खोलिएगा और आप खुद भी जाके इसे स्टडी कीजिए। मैं तो अभी आपके सामने इसे पेश करने ही वाला हूँ। तो चलिए, इसे मैं डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। डेस्कटॉप मोड में करने के लिए आपको साइड में क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड में आपको करना होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सारी चीज़ें दिखानी पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई है ये वही चीज़ बताया गया है कि कंपनी डीलिस्टिंग होती कैसे है। सिंस द डिनोमिनाइजेशन इन इंडिया द नंबर ऑफ पीपल विलिंग टू इंटरेस्ट इन अ शेयर एंड म्यूचुअल फंड हैज़ बीन इंक्रीजिंग, तो इट इज़ हेल्पफुल आवर फॉर आवर कंट्री इन इन्वेस्टर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू देयर इज अ सर्टेन रिस्क एसोसिएट विद द इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर। हेयर आर द एक्सप्लेनिंग वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ ए सच रिस्क डीलिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेल्स दिए हुए हैं वहाँ पे, तो इसमें से एक खतरनाक चीज़ होती है डीलिस्टिंग, सबको पता है, जैसा कि वेदांता के केस में इलेक्ट्रो स्टील का हुआ, वो मैं आपको सब प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। वो अकाउंट भी आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा कि अभी भी वो स्टॉक शामिल है। चलिए, सबसे पहले हम लोग डीलिस्टिंग को जानते हैं कि डीलिस्टिंग क्या होती है। देखिए, व्हाट इज़ डीलिस्टिंग, इन्होंने क्लियर
वे पे इसको बताया, बहुत इजी वे पे, इसीलिए मैंने आपको इस वेबसाइट्स पे ही ले आया। नहीं तो मैं इस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके भी आपके सामने प्रेजेंट करता तो शायद ये इतना अट्रैक्टिव नहीं होता जितना मैं इस वेबसाइट्स से आपको ये शो करवा रहा हूँ। ठीक है, वी कैन, यहाँ पे बताया गया है कि डीलिस्टिंग कैन हैपन इन ए टू वेज, पहला वॉलेंट्री डीलिस्टिंग और सेकेंड है कंपल्सरी डीलिस्टिंग। तो कंपल्सरी डीलिस्टिंग बहुत ही ऐसे घटिया कंपनीज़ की होती है जिसे इस एक्सचेंजेस से किक आउट करके, दैट मीन्स इसे ज़बरदस्ती जबरन इसको बाहर किया जाता है। क्यों? ड्यू टू फेलियर्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक्सचेंजेस का, वो ठीक से इसे पालन नहीं कर पाता जिसके वजह से इन कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया जाता है, दैट मीन्स कंपनी से हटा दिया जाता है, लिस्टिंग से हटा दिया जाता है। दूसरा वॉलेंट्री डिलिस्ट जिसमें प्रमोटर्स अपनी मेजोरिटी इन्वेस्टर्स की प्रीमियम प्राइस चाहता है, जो कि आपको सेबी के गाइडलाइन पे भी दिया हुआ है, और वो प्रीमियम प्राइस होता है 30-40% अपर जहाँ से ये मार्केट क्लोज करता है, मार्केट प्राइस से 30-40% के प्रीमियम उनको देनी होंगी। तो इससे भी डरने की बात नहीं है, मान लीजिए स्टॉक अभी एक रुपये पर ट्रेड कर रहा था, एक रुपये के 30-40% दैट मीन 40 पैसा इसको ऊपर की प्रीमियम पे उनको वो स्टॉक को प्राइस को देना होगा। ठीक है, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्वेस्टर्स आर एबल टू सेल देयर शेयर यूनिट्स दे प्रोसेस एट अ हायर प्राइस देन द करेंट मार्केट प्राइस। ये सेबी के गाइडलाइन में स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मेजोरिटी इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट करता है जिनका मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होता है, और मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है उन्हीं की बातों को यहाँ पे दिया जाता। अब देखिए ये होता क्या है कि हाउ टू सेल डीलिस्टेड शेयर। अभी मान लीजिए कि आलोक इंडस्ट्री का शेयर मैंने नहीं बेचा, डीलिस्टिंग हो गई, लेकिन मुझे पता है कि कंपनी का शेयर मैं अभी नहीं बेचूंगा, कंपनी बहुत ही ग्रोथ करने वाली है। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो मैं यहाँ पर क्लियरली बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को, क्योंकि इनका एक छोटा अमाउंट इन्वेस्टेड रहता है 2000-4000 का, तो वो उनके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन उनको पता है कि कंपनी काफ़ी आगे जाके ग्रोथ करने वाली है, जो कि आलोक इंडस्ट्री करने वाली है, इसे आप माने या ना माने, आपको मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ द प्रोसेस ऑफ द इक्विटी ऑन अनलिस्टेड कंपनी यू विल बी फाइंड डिफ़िकल्टी इन सेलिंग देम थ्रू NSE एंड BSE। आप NSE और BSE में इसे नहीं बेच सकते हैं। वन फेम आज डीलिस्टेड डज नॉट मीन द इक्विटी यू प्रोसेस बिकेम अर्थ लॉस। ऐसा मत सोचिए कि आपका जो ये शेयर्स पड़े हुए हैं वो आपका वैल्यू इसका ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। और आपको ये कंपनीज़ क्या करती है, जो भी स्टॉक आपने अपने साथ रखा हुआ है, आप प्रॉफिट्स उनके साथ शेयर करते हैं। कैसे? यू वैन रिसीव्स डिविडेंड टू, इफ़ यू आर एनएक्सी अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ डीलिस्टेड सिक्योरिटीज़ यू पासेस यू हैव फॉलोइंग ऑप्शन। और अगर आप ये हमारे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे सेल कर सकते हैं। किस हिसाब से? सेल्स टू प्रमोटर्स एट ए प्रीमियम प्राइस। तो जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आपने उस कंपनी के स्टॉक को नहीं बेचा, आपके पास रह गया लेकिन उसकी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, आपको किसी तरह की कोई काउंसल नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पे देखिए सेल्स टू प्रमोटर्स एट ए प्रीमियम प्राइस यहाँ पे जाके बेच सकते हैं। कैसे? यहाँ पे वॉलेंट्री डीलिस्टिंग में BSE और NSE प्रमोटर्स हैव टू बाय बैक द इक्विटी फॉर्म्स ऑफ द मेजोरिटी शेयर होल्डर एट द प्रीमियम प्राइस विद इन 1 ईयर पीरियड। प्रीमियम प्राइस मस्ट बी हायर देन द मार्केट प्राइस। एक साल के बाद में आपका ये प्रमोटर्स ही आपको एक ऑफर देगी और बायबैक के थ्रू इस स्टॉक को बाइंग करेगी आफ्टर 1 ईयर्स, जब आपका एक साल ख़त्म हो जाएगा। स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं उन स्टॉक्स को। और उसके बाद यहाँ पे है रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, सबसे पहले जो स्टॉक्स को बाहर कर दिया जाता है, ये उनके लिए प्रोसेस है, किक आउट कर दिया जाता है और उसका स्टॉक आपके पास है। तो आलोक के साथ ऐसा नहीं है, ये वॉलेंट्री डीलिस्टिंग होगी।
और उसके बाद और एक है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये है सेल थ्रू ब्रोकर्स। इनके भी ब्रोकर्स आपके पास हमारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा जो ब्रोकर है वो मैं किसी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए फ़ोन करता हूँ या मैसेज करता हूँ तो वो कर देता है। इसी तरह से इसके भी ब्रोकर है। कैसे? दे आर ब्रोकर एंड द कंपनीज हु आर विलिंग टू बाय द स्टॉक ऑफ ए डीलिस्टेड फर्म, हाउएवर द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय देम। ठीक है, तो होता क्या है, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बेचने के लिए, वो भी डीलिस्टेड शेयर को, वो कैसे होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन से प्राइस पे उनको बेचना है, डिसाइडेड टू सेल देम। ठीक है, इफ़ यू नीड टू नो द नेम ऑफ द कंपनीज हु बाय डीलिस्टेड स्टॉक दे आर गिवन बिलो। देखिए, एक तो प्रमोटर्स जो होते हैं जो कंपनी के जिन्होंने इस स्टॉक को डीलिस्ट कराया, मान लीजिए अभी आलोक इंडस्ट्री के साथ अगर डीलिस्टिंग की प्रोसेस होती है तो आलोक इंडस्ट्री के जो प्रमोटर्स है वो एक्चुअली में क्या करते हैं कि वैसे ब्रोकरिंग फॉर्म, यहाँ पे देखिए एक का नाम मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, उनके साथ कंसल्ट करके मार्केट में जो इक्विटी शेयर्स मौजूद है उनको पता है कि कौन कौन कितना परसेंटेज इक्विटी शेयर्स अभी भी हमारा मार्केट पे है, उसे बाइंग करने के लिए उनको बोल दिया जाता है और वो इस तरह से काम करते हैं और एक प्राइस देते हैं जिस प्राइस पे आपको बेचना है, वो प्राइस आपसे मांगा जाता है, आप अपने हिसाब से उसे बेच सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन लिंक भी है, आप डायरेक्टली इनके पास जाके ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर्स कि हम इसे बेचना चाहते हैं। दे बाई स्टॉक ऑन अनलिस्टेड इंटरप्राइज इन ए फिजिकल एंड ए डीमैट फॉर्म, यू कैन रीच देयर वेबसाइट विजिंग, यहाँ पे इस वेबसाइट्स पे आके आप इसे बेच सकते हैं अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो। अभी से एक सिक्योरिटीज़ है, दो तीन सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ थी जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए यहाँ पे एक इनके साथ कमेंट भी दिया गया है कि ग्रेट आर्टिकल्स फॉर द बिगनर्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव द स्किल एंड अबाउट द डीलिस्टिंग। यहाँ पे देखिए किन्होंने दिया ये कमेंट, वो देखना जरूरी है, डीलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, सम डाउट्स थिंग्स ऑफ ए शेयर्स ऑफ द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई एम वर्किंग विद द वेल्थ रिसर्च फाइनेंशियल सर्विस एज अ स्टॉक मार्केट एडवाइजर्स। ठीक है, तो इन्होंने इसको पढ़ा है और मैंने भी इस आर्टिकल को जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब बात होती है कि डीलिस्टिंग कंपनीज़ के शेयर कहाँ पे आप जाके देखिएगा तब तो आप बेचिएगा। तो इस पे बने रहे, मैं आपको एक अकाउंट पे लिए चलता हूँ जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। देखिए कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि वेदांता और इलेक्ट्रो स्टील का जो केस हुआ था उसमें इलेक्ट्रो स्टील को डिलिस्ट कर दिया गया था। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें ये पता भी नहीं चला वो कंपनी डिलिस्ट हुई है। तो डिलिस्ट होने के बाद आपका जो होल्डिंग्स, जहाँ पे आपकी होल्डिंग्स दिखती है, जो जरोदा के प्लेटफॉर्म को यूज करते हो आप समझ में आएगा, वहाँ पे वो डीमैट अकाउंट पे दिख नहीं रहा। बट वो कैसे दिखेगा, तो वो उसके लिए आपको वेब लॉगिंग करनी होगी जरोदा के अकाउंट का, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग डेस्क पे ट्रेड करते हैं, उसके वेब पेज पे लॉगिन कीजिए, आपको वो दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जरोदा की लॉगिंग है, और अगर जरोदा की वेब लॉगिंग की बात करें तो यहाँ पे नज़र आ रही है, सॉरी वन सेकेंड, देखिए यहाँ पे देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए होल्डिंग्स में दो ही स्टॉक दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट, जी हाँ यहाँ पे दो ही होल्डिंग्स दिख रही है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो अकाउंट है ZB6668, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी अकाउंट को मैं अभी आपको लॉगिन करके आलोक इंडस्ट्री, और यहाँ पे मैं शेयर की वैल्यू को थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नॉर्म से बाहर हो जाता है इसीलिए मैं इसे दिखा नहीं सकता। दो ही होल्डिंग्स दिख रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर कॉन्सोल्स पर लॉगिन करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिएगा ZB666 का ही अकाउंट, आप देखिए ZB666 का ही अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ। देखिए मैंने इसे लॉगिन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ZB666 का ही अकाउंट है,
देखिए आलोक इंडस्ट्री, और देखिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट ये है इलेक्ट्रो स्टील का स्टॉक, जो कि अभी किसी तरह की कोई प्राइस आपको दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये डिलिस्ट हो चुका है। जो इसके बारे में पूरी तरीके से जानता है वो ये समझ पाएगा इलेक्ट्रो स्टील का स्टॉक क्या है, ठीक है। तो ये देखिए डिलिस्ट हो चुका है, बट ये स्टॉक हमारे अकाउंट पे अभी भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है और क्यों होल्डिंग्स है, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए किसी तरह का कोई नॉर्म्स नहीं है। ये स्टॉक अभी भी दिख रहा है, ये मैंने आपको दिखाया कि आपका जो स्टॉक है वो डिलिस्टिंग के बाद भी दिखता है। और देखिए अमाउंट कितनी कम है, इसी तरह से स्टॉक पे जो स्टॉक पेनी स्टॉक होता है इतने ही अमाउंट का रिस्क लेना चाहिए। चलिए सिक्योरिटी पर्पस और यूट्यूब के नॉर्म्स के हिसाब से ये अकाउंट तो दिखाना नहीं चाहिए, बट मैंने फिर भी दिखाया आपके बिलीव के लिए। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये पहुँचे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैंने उसे इलेक्ट्रो स्टील के शेयर को दिखाने के लिए इस पर लॉगिन करके आपको दिखाया, क्योंकि इलेक्ट्रो स्टील का ये शेयर अभी हाल फिलहाल में डिलिस्ट हुआ है और वो अभी भी अकाउंट में दिख रहा है। आप जैसे ही अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे आपको नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको वेब पेज पे जाना होगा, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है सारे चीज़ करने में। आपके एक लाइक से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। साथ ही आप अच्छे कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, कमेंट से भी हमें संतुष्टि होती है कि हमने जो काम किया उसके बदले में हमारे व्यूवर्स ने, हमारा जो अनमोल समय था उसे हमने इस वीडियो पे लगाया और उसके लिए हमारे व्यूवर्स ने एक अच्छा कमेंट दिया। आपका एक सेकंड हमारे 15 मिनट के बराबर का काम करेगी। वीडियो को एंड करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।